ज्योति मौर्या और अलोक मौर्या की सीक्रेट डील को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ज्योति जहां पर अलोक ने ज्योति मौर्या के खिलाफ सारे चार्जेस और सारे केस वापस ले लिए, तो वहीं अब खबर है कि धूमनगंज थाने से ज्योति मौर्या भी अलोक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस का केस वापस लेने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीक्रेट डील हुई है और इसी सीक्रेट डील के तहत सब कुछ खेल खेला जा रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अब कहा जा रहा है कि ज्योति जी हाँ आपको बताते चले कि अब ज्योति और अलोक के इसी समझौते को देख और जिस तरह से दोनों केस वापस ले रहे हैं, ऐसे में अब पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि अलोक और ज्योति जिस तरह से केस वापस ले रहे हैं, इससे ये बात साफ होती है कि दोनों ही अब एक दूसरे के साथ केस नहीं लड़ना चाहते और दोनों इस मामले को निपटाना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने केस वापस ले लिया। यहाँ तक कि पुलिस ने ये बयान भी दे दिया है कि अब दोनों के केस की फाइलें बंद हो सकती है, जिसके बाद इस केस पर ना तो कोई चर्चा होगी और ना ही कोई जाँच पड़ताल। तो ये है पूरी खबर पुलिस बयान के बाद अलोक और ज्योति को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।